बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आप अपना वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकालते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। आज हम जो नाश्ता बनाएंगे बहुत मज़े का, बहुत डिफरेंट होता है, छोले भटूरे बनाएंगे। मेरा बड़ा ही फेवरेट नाश्ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। आधा किलो चने मैंने 5-6 घंटे के लिए इसको सोख के रख लिए थे। और ये देखें, मैंने थोड़ी सी इसमें दालचीनी के टुकड़े डाल के और चाय का अरक निकाल लिया है। 1 तेज़पत्ता, नमक, थोड़ी सी दालचीनी और डाल रही हूँ उसमें, काली मिर्चें, लौंग थोड़ी सी, चार पांच, बहुत ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालेंगे वरना चनों में इतना मज़े का नहीं लगता है। इसको हम 30 से 35 मिनट तक ढक के रख देंगे धीमी आँच में और इतने गला लेंगे, बेहतरीन से गला लेंगे इसको। चने जितने अच्छे गले हों उतने मज़े के बनते हैं। तो बाकी ये कि हम भटूरे की डो बना लेते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है, नमक डाला है, 1 टीस्पून शुगर, 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून इसमें पिटा हुआ दही ऐड कर रही हूँ। भटूरे में दही जो है सबसे अहम। थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डाला है मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 पिंच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसकी डो हम बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा ताकि ये ना बहुत ज़्यादा सख्त हो ना बहुत ज़्यादा पतली डो हो। बहुत मज़े के बनते हैं, बड़े ही डिफरेंट बनते हैं। सोडा और दही की वजह से इतने सॉफ्ट भटूरे होते हैं, पूरियों से बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आता है इनका। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे हैं आपको। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल लगाएंगे और ये जिसमें था इसी को हम पोंछ लेते हैं ताकि जो है ना अच्छे से ये स्मूथ होके। इसको हम 25 से 30 मिनट के लिए रख देंगे, 15 मिनट के लिए भी रख दें तो इनाफ है ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। जब तक हमारे चने हो जाएंगे इधर हम छोले बना लेते हैं। 1 कप ऑयल ऐड किया है मैंने, ज़ीरा 1 टीस्पून, थोड़ा सा इसको पका लेंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है जो फाइन चॉप की हुई है, इसको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज अच्छे से जब गोल्डन ब्राउन होएगी तो अदरक लहसुन ऐड करेंगे इसमें। देखिए 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, थोड़ा सा इसको तल लेंगे। अब ये देखिए 2 मीडियम साइज के टमाटर मैंने लिए हैं और इसके अंदर थोड़े से चने मिला के पीस लिए हैं। जो उबले हुए चने थे वो मैंने थोड़े से बचाए हैं, उसको मैंने इसमें मिक्स करके पीस लिया। आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं लेकिन वो इतनी स्मूथनेस नहीं आती है इसकी ग्रेवी में, तो मैं इसमें मिक्स करके पीस लेती हूँ, बहुत अच्छी ग्रेवी आद बनती है। 1 टीस्पून इसके अंदर इसी लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक, 1 टीस्पून इसके अंदर चाट का मसाला और 1/2 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। चाट का मसाला बहुत मज़े का लगता है इसके अंदर। ये देखें चने मैंने उबाल के रखे हैं, इसका पानी नहीं फेंका है, एज इट इज़ मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि इससे कलर जो है थोड़ा डार्क हो जाता है, बहुत अच्छा कलर आता है चाय के अरक की वजह से। आपको डिफरेंट देखिएगा, चाय के इसमें बनाए अरक में उबाल के और सादे पानी में उबाल के देखें, कलर में बहुत डिफरेंस आएगा। अब इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे धीमी आंच। ये देखें कितनी थिक सी ग्रेवी हो गई है हमारी,
और चने देखिए कितने ज़बरदस्त से गल गए, बिल्कुल टूट रहे हैं हाथ लगाने से। जितने अच्छे आपके चने गले हुए होंगे उतने ही मज़े के होंगे। अभी हम इसको उतार के रखेंगे, थोड़ी देर में और ये थोड़े थिक हो जाएंगे। अब हम भटूरे रेडी कर लेते हैं। देखें जो हमारी डो रेडी हो गई थी, इसको हमने पूरियां बेल ली हैं इसके भटूरे, और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। कितने बेहतरीन से ये फूले हुए बनेंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त से, और इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने मज़े के होते हैं। इसमें शुगर भी है, नमक भी है, दही भी है, इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसको तलिएगा, ठंडे ऑयल में जो है। इतने अच्छे सिकते नहीं है, फिर गोल्डन ब्राउन इसको सेके। प्याज अचार और रायते के साथ खाएं, इसको बहुत मजे का लगता है ये। ज़बरदस्त से हमारे छोले भटूरे तैयार हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। देखिए चने भी कितने ज़बरदस्त सा कलर आया है, कलर देखिए आप कितना खूबसूरत आया है, चाय की पत्ती की वजह से कितना डार्क सा कलर आया है चनों का। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सके। मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।